फर्जी IAS अधिकारी पुलिस ने पकड़ा। बरेली की कोतवाली पुलिस ने फर्जी IAS अफसर को गिरफ्तार किया है। फर्जी IAS शशांक MHRD का कोऑर्डिनेटर बताकर कमिश्नरी पहुंचा था। कमिश्नरी के स्टाफ को उसकी बातों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यही वो फर्जी IAS शशांक तिवारी है, जो IAS और IPS को फोन करके रौब झाड़ता था। शशांक तिवारी आज भी रौब झाड़ने के लिए कमिश्नरी पहुंचा था, लेकिन वहां पर इसकी दाल नहीं गली। कमिश्नरी के स्टाफ ने उसे पहचान लिया कि ये कोई IAS अफसर नहीं बल्कि बहरपिया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। SSP शैलेश कुमार पांडेय ने बताया। आज एक प्रकरण संज्ञान में आया, जहां एक व्यक्ति कमिश्नरी पहुंचा था, वहां अपने आप को शशांक तिवारी IAS अफसर UP कैडर 2013 बैच का बता रहा था और अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ HRD में कोऑर्डिनेटिंग अफसर बता रहा था। शुरुआती पूछताछ में ही ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इस तरह का कोई अधिकारी नहीं है और ये फर्जी तरीके से इम्पर्सोनेट कर रहा है अपने आप को और फर्जीवाड़ा कर रहा है। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया जा रहा है। इसकी सारी डिटेल निकलवाई जा रही है। ये कई लोगों को इसी तरह कॉल करता था और अपने आप को IAS अधिकारी बताता था। जैसा मैंने बताया, शुरुआती पूछताछ में ये चीज़ पता चली है, अब इसकी सारी डिटेल्स निकलवाई जा रही है और संबंधित प्रकरण में ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।